सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हाँ जिन्होंने दया करके सानू माफी मंगण दे लायक बनाया ये उन्होंने दया सी। अगर आप इस तुक न समझ लीए तो प्यारे हो समझण वास्ते आप सत्संग आने हैं। सारे ही भजन सिमरन का सार इस तुक अंदर छिपया हुआ राज है। ये पिछे बड़ा वड्डा राज है कि साड़ी आत्मा जब का भी संसार बनया है कोई नहीं कह सकता किन्ने करोड़ किन्ने युग संसार बने हुए है, क्योंकि ना तो किसी वेद विच इहदी तिथ पाई है ना कुरान दे विच गुरु नानक साहब कहिंदे पाई है असी पढ़ लेंदे, ना योगियां नूं तिथ वार दा पता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है खुद उसे नूं ही पता है। तो साड़ी आत्मा जदी भी विछड़ी है ये मन का साथ लैके मैं करती आँदी है तो मैं करती चली जाती है। गुरु नानक कहिंदे हौं विच आया हौं विच गया हौं विच खटिया हौं विच लिया हौं विच जमया हौं विच मुया हौं विच नरक सुरग अवतार। जे स्वर्गां च गया तो भी हौं हौं मैं करदा हंकार च ही गया, मरिया तो भी हंकार च मरिया, जीव्या तां भी हकार च जीव्या। सो आप प्यार ना कहिंदे किया कराया सब गया जब आया हंकार। जे दान पुन कीता तद भी हंकार च ही कीता कि अखबारां च कढ़िया आपदी जबजी जिन्ना चिकर ना दुनिया नूं सुनाई दानवीर ना कहाया उन्ना चिकर सानू शांति नहीं आउंदी गी। इस वास्ते जो कुछ भी गुरु नानक साहिब ने बड़ा फोटो अच्छा खिंचया है के हों हों ये करदा आउंदा ते हों हों चले जांदा है। आप कहंदे हों मैं दीर्घ रोग है मिठी तपद कहे दारू पीस माहे कृपा करे जे अपनी ते गुर का शब्द कमाहे। केड़ी दवाई रखी है अंदर गुरु ने शब्द ओ परमात्मा ने आपदा नाम शब्द रखिया होया है। तो संत जीव नू ओ माफी दे काबिल बनाउंदे है और अगे जाके यही वह परमात्मा दे के खड़ के अरदास करते हैं कि जी भुल गया सी हुण इह कन्नां नूं हथ लाउंदा माफ़ी मंगण वास्ते आउंदा है। तुहानूं पता है कि प्यारे दा प्यारा भी प्यारा हुंदा है। वह उहनां दे प्यार विच आपदे भगतां दे प्यार विच सानूं माफ़ी दे दिंदा है, नहीं तां असीं माफ़ी कदम मंगदे हैं। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे असीं गलती करके माफ़ी ना मंगनी तो एक गुनाह होर कर रहे होंगे हैं, उत्थे बजाय गलती की माफ़ी मंगण दे या आपकी गलती मनण दे असी आपकी सफाई पेश करते हैं। सो धन है वह परमात्मा सावन वह कृपा जी ने सानू आके माफ़ किया अपना वो नाम दिता वो शब्द दिता जेड़ा दुनिया के कण कण दे विच व्यापक है जिस दे आधार ते खंड ब्रह्मंड खड़े है। सो प्यारे हो थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है गौर नाल समझण वाला है गुरु प्यार का शब्द है। सब संत महात्मा इसे गल ते जोर दिंदे है कि तुसी गुरु के चरणा विच पहुँचो गुरु कोले पहुँचो गुरु नूं खोजो उन्हां दे चरणां नूं तुसी कुट के पकड़ लो और छड़ो ना। तो संत सानू बाहर चरण पकड़ता की देने सीगे वो चरणां नूं हाथ नहीं लाउण दिंदे गे, नहीं इहदे विच एक राज है बड़ा समझण वाला है कि केड़े संतां दा संत जिक्र कर केड़े चरणां दा जिक्र करदे आ संत केड़े असी कुट के पकड़ने है। जदों असी सिमरन दे जरिए नौ द्वारे खाली करके अखां पिछे आउने हैं सूरज चंद्रमा सितारे लंघ जाने हैं अगे संतां दे नूरी चरण आउंदे हैं। जिथे सरूप प्रगट है उत्थे नूरी चरण भी आउंदे हैं। उन्हां चरणां दा चरणा नूं जाके असी पकड़ना है।
उस अवस्था नूं तुलसीदास जी बयान करदे ऐ श्री गुरु पद गण मणि ज्योति सिमरत दिव्य दृष्ट ही होती। कहिंदे गुरु दे एक नखून दा जो प्रकाश है करोड़ां सूरजां करोड़ां चंद्रमियां तों वध प्रकाशमान है, तो सारे शरीर की शोभा ते बयानी की करनी है। उस धूड़ी दी हर एक संत ने महिमा कीती है, जिक्र कीता है। गुरु नानक ने भी आपदे शब्द विच जिक्र कीता है, नानक दास यही सुख मांगे मोको कर संतन की धूड़े। क्योंकि उस नूर दे विच उस प्रकाश दे विच शांति है, आनंद है, खुशी है। तो आ प्यार ना कहिंदे है उत्थे पहुंचना हर शिष्य दा परम धर्म है, और उही सच्चा शिष्य है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल शब्द स्वामी जी दा थोड़े अगे गुरु प्यार दा रखा जांदा, गौर नाल सुनो। सतगुरु भगती बचन अठारवां शब्द चौथा संतों की बाणी पन्ना 106। गुरु चरण पकड़ दृढ़ पाई, गुरु का संग करो बनाई। गुरु चरण पकड़ दृढ़ पाई, गुरु का संग करो बनाई। आप प्यार ना कहंदे है थे शांति है, सुख है। उस शांति दी खातर ही राजे योगी बन, राजा ने राज छड के योगी बने। शाह बलख बखारे ने अपना राज छड्या उस प्रकाश दी खातर, नूर दी खातर, नाम दी खातर। कबीर साहब दा 12 साल ताना उणिया हिंदुस्तान दे अंदर आके और रुखा सुखा खादा। राजा गोपी चंद और पर्थरी राज छड के योगी होए। आखर उन्हां चरणां दे विच कोई शांति है, सुख है, तद ही राज छड के लोग संतां दी चरणां दे विच आउंदे हैं। इस वास्ते जद ओह राज छड के योगी होए, लोग दे दिल विच आया भी आखरे कुछ होने हैं, इन्हां नूं कुछ मिलिया होना है जेड़े ये राजपाठ छड के योगी होए है। तो लोग पेड़ां दी मगर उन्हां दे मगर लग गए। उन्होंने कहा कि मान वड्याई छड के असी साधु होए सी, ये दुनिया फिर नहीं पिछे छड़दे। वो कदे किसे जगह जाके ठहरन, कदे किसे जगह ठहरन, आखिर एक गरीब कुमार दे करे जाके हो ठहरे। कायदा यह है कि अमीर दे मेहमान दा तो हर एक आदर करता है, ते गरीब दे मेहमान नू कौन पुछदा है। पर फिर भी बेशक जे अतर वाला ना वेचे, डब्बी किते ना किते तक खुली रही जांदी है। उसने जद उन्हां दे गुमांड अड़ोस पड़ोस पता लग्या कि फलाने दे करे महात्मा बड़ा अच्छा है, वो अच्छे है, बात हुंदी हुंदी राजे तक गई। राजा दर्शनां नूं तुरिया, परजा भी आई, वाजे गाजे वाजदे आए। परधरी चंद और गोपी चंद ने पूछया भी ये की है कि जी रही है थोड़े सने राजा दर्शनां नूं आ रहे है। दिल च ख्याल आया कि ये सब कुछ छड के ता असी फकीर होए सी, दुनिया पिछा नहीं छड़दे। बाज दफा संत लोग ऐसा कौतुक भी कर देंदे है जिहदे नाल दुनिया का जिहड़ा भीड़ भड़का है, मखियां जिहड़ियां हन वह दूर रहन। संत चाहुंदे आ कि साडे कोल सच्चे जगियासु आउण जिन्हां ने अपना आप सुधारना होवे, जिन्हां दे दिल अंदर परमात्मा दे मिलण दा शौक बिरे तड़फ पैदा होवे,
कोई संता ने ज्यादा सेवक बना के आर्मी खड़ी नहीं करनी हुंदी, कोई उन्होंने टका से अगरौना नहीं हुंदा गा कि भी बड़े पैसे हो जाएंगे, कोई ऐसा कौसा कर देंदे जिहदे नाल प्रेमी रह जांदे ते मक्खियां चढ़ जांदियां हन। तो वो बाहर आ गए, आके एक ने कहा कि मैं कल गजे पिछे तू गया सी, अज मैं जाऊंगा। वह कहिंदा परसों तू सारा माल पूड़े खा ले सी, वह कहिंदा चौथे तू हलवा खा गया सी, एक ने डंडा मारिया, दूजे ने सोटा मारिया। और राजे ने कहा भी चंगे महात्मा है जिहड़े खाने पिछे लड़दे हैं, सब हथ ते हथ मार के चले गए। उन्होंने कहा शुक्र है मक्खियां टलियां, वह आपके भजन व्यास दे विच बह गए। सो इस वास्ते जदों गोपी चंद फकीर होया गोरखनाथ ने सोचा ये राजा है, क्योंकि सानू संतां दे पास लोक लाज आउण नहीं दिंदी गी, इहदी लोक लाज दूर करिए। वह कहण लग्या तू पहला आपदे शहर विच गदागिरी क्या मंग के लिया। उत्थे गया जब रिजित ने देखिया राजा होके साडे मंगणा है आया है, थानू पता है जिथे हुकूमत कीती होवे उत्थे जाके मंगणा बड़ा औखा हो जांदा है, लेकिन गुरु का हुक्म मनना बड़ा लाजमी सीगा, क्योंकि आला पात्र सी जिहड़ा राजा योगी होया होवे थानू पता है कि वह आखिर को बर्तन हुंदा है। इस वास्ते क्योंकि असी दो पैसों की कोई कुरबानी नहीं कर सकते गे, तो आप कहन लगे जिसने रुपया देना सी उसने ज्यादा दिते, भी राजा होके साडे घरां विच आया है। आखिर मंगदा मंगदा राणिया कोले गया, राणिया ने सोचा हुण हार शिंगार असी की करना है, राजे दे नाल ही हार शिंगार सी। उन्हां ने सब कुछ ला के उहदे हवाले किया, वह योगियों के पास पहुँचाउंदा गया। जब माँ दे बूहे ते गया माता कहण लगी, दिल दे विच सोचदी है कि जे मैं इहनूं धन पदार्थ दिता ये योगियां कोले आपदे गुरु कोले पहुँचाउंदा रहेगा तो इहदे कोले की होएगा। वह कहण लगी देख योगी मैं हुण गृहस्थी हैं, तू त्यागी हैं, साधु हैं, मैं तेनूं सिक्ख्या तां दे नहीं सकदी गी क्योंकि तेरा मेरा बड़ा फर्क है, लेकिन पिछिया तां जो चाहवां मैं तेनूं पा सकदी हैं। वह कहण लगी देख मजबूत तो मजबूत किले विच रही, अच्छे लजीज तो लजीज खाने खाई, नरम तो नरम बिस्तरे ते समी। वह कहण लगा माता तेरे बचना नाल मैं योगी होया साधु होया है, अज तू मैनू कहनी है कि मजबूत किले विच रही, मैं योगी हैं जंगल च रहना उत्थे मजबूत किला कित्थे है, मैं राजपाठ छड़ के योगी हो गया है, बाहर तो मंके टुकड़े खाने हैं, जंगल च रहना है उत्थे लजीज खाने कित्थे, बाहर तो ठिकरियां रोड़ां ते सौना है, बाहर नरम बिस्तरे कित्थे। वो कहण लई योगी तू मेरी गल नूं समझिया नहीं गा, तू इहदा मतबल नहीं सार नहीं समझिया गा, तेरे कोले बुढ़िया ने भी आना, तेरे कोले जवाना ने भी आना, तेरे कोले अमीरा ने भी आना, तेरे कोले गरीबा ने भी आना है, तेरे कोले जवान इस्त्रियां ने भी आना है, तेरे कोले मटे बुढ़िया इस्त्रियां ने भी आना है, कोई तेथों दौलत मंगेगा, कोई तेथों बेटा मंगेगा, कोई कहेगा बीमारी दूर कर, अगर जे तू गुरु की शरण विच रहेगा मजबूत तो मजबूत किला गुरु की शरण है, अगर तू गुरु की शरण दे विच रहेगा तैनू ये लोग डला नहीं सकणगे, ना दुनिया की धन दौलत डला सके, ना मान वड्याई डला सके, ना तैनू तेरा कुछ कोई औरती वगाड़ सके। क्योंकि जे असी भजन करके मेरे प्यारे हो नौ द्वारे खाली करके अखां पिछे जां सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं उत्थे औरतां नूं नूरी मर्द मिलते हैं और मर्दां नूं नूरी औरतां मिलदियां हन, वो अगों लालच दिंदियां हन कि तुसीं अगे की लैणा है, असीं तुहानूं ये सुख देवांगे, ये शांति देवांगे, ये भोगां विच बड़ी शांति है। हुण जिहड़े इत्थे कायम नहीं रहिंदे गे
इसे वास्ते संत कहिंदे है कि प्यारियो अपना आला चाल चलन इत्थे ही बनाओ। जिहड़े इत्थे कायम नहीं रहिंदे गे अगे जाके किस तरह कायम रहणगे। सो इस वास्ते वह कहण लगी कि जिन्ना चिकर भुख ना लगे उन्ना चिकर खाना ना खा, क्योंकि जदों असी रजे होंने हैं उदों बड़ा ही सानू नुक्स कढ़ण दी खाने विच आदत हुंदी है, ये खट्टा है ये मिठा है ये बनिया ठीक नहीं। मैं कई स्वादु देखे है वो खाई भी जाते हैं नुक्स भी कढ़ी जाते हैं, उहदी वजह की हुंदी है कि अजे भुख नहीं लगी हुंदी उन्हां नूं। तो जे भुख लगी होवे बंदा ना बेहा देखदा है ते ना सुका गिला देखदा है, उहनूं ओह स्वाद आउंदा जिहड़ा किसी जलेबी किसी पलाह चों नहीं आउंदा गा। तो जद भुख लगे उदों खाना खाई, तो नरम बिस्तरा किहड़ा है, तो अपने शरीर नूं भजन सिमरन दे विच इतना थका ली कि जदों नींद बैठे नूं भावें आ जावे पर जल्दी सौण की कोशिश ना करी, तो फिर भावें नीचे फट्टा ही है भावें ठिकरियां रोड़ा ही हैं, तो प्यारे वो नींद आएगी जिहड़ी बादशाह नूं नसीब नहीं हुंदी गी। ते साडा आपदा जाति तजर्बा है, यह तो एक कहानी है इतिहास है। जदों असीं दिने भी सोए रहिंदे रात नूं भी सोए रहिंदे हैं तो प्यारे फिर पता ही है सानू किवें नींद आएगी। तो संतां कोले जाण वास्ते जिस तरह गोपी चंद ने लोक लाज कढ़ी सी, गोपी चंद जी उहदे गुरु ने, सानू नहीं करनी चाहीदी गी, बल्कि जे असीं अमीर हैं राजे हैं तो लोक शोभा करदे हैं, लेकिन साडा मन जिहड़ा है उहदे अंदर लोक लाज है। महाराज सावण दे चरणां दे विच साडा खुद देखिया है, क्योंकि मैनू जिहड़े सिख राजे सी इहनां दे सर्विस करन दा आर्मी दे विच मौका मिलिया है। राणी कपूरथला आई उह कुछ रुपए लियाई, तो महाराज ने उस नूं जांदी बारे कुछ किताबां दित्तियां और उहदी सेवा भी मोड़ दित्ती। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਖਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਲਾਅ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ आर्मी दे बंदे लेके गया सीगा, क्योंकि मैनू उत्थे रहण दा मौका मिलिया उस राजे दे, ए मेरा खुद दा देखिया होया है। जद ओह गया उहने खुद जाके सिर ते टोकरी चक्की, कोई ओह राजे पटियाले ने लोक लाज नहीं समझी, उहदी सारे असी खड़े लोग प्रशंसा करदे सी, फिर खुद जाके उत्थे खाणा खाधा लंगर दे उत्ते जिथे आम पबलिक खांदी है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ ਉਹੀ ਖਾਧਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
वह ना लोकलाज की परवाह करते हैं ना बादशाहियों की परवाह करते हैं, वह परमात्मा वड्डा समझते हैं दुनिया नू छोटा समझते हैं। हाँ गुरु चरण पकड़ दृढ़ पाई, गुर का संग करो बनाई, गुरु बचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा। हुण आप प्यार दे नाल कहिंदे है शिष्य दा की धर्म है, जो गुरु बचन करता है उसकी पालना करनी। गुरु बचन कदे भी नजायज नहीं शिष्य नूं कहिंदा, जो कहिंदा वह शिष्य के फायदे ते ही कहिंदा है। सेवक का मनना परम धर्म है, अगर वह मनता है तो अपना वह जीवन बना लेंदा है। एक सेवक ने महाराज सावण दे अगे अर्ज करी, अगे जी बड़ा मुश्किल है बचन नूं मनना। महाराज हस के कहण लगे, ही नरकें जाना ही सौखा है। क्योंकि गुरु सानू नजायज कोई हुक्म नहीं दिंदा, वह कहिंदा भी भजन कर, आला चाल चलन बना। अगर आपां अपने जीवन नूं सुधारांगे, आला चाल चलन बनावांगे, सारयां नूं पहलां तो उहदी सानू आप नूं दुनिया दे विच वी फायदा है। अगर कोई नशा शराब नहीं पीवांगे तां वी साडी सेहत ते अच्छा असर होवेगा, होर कोई नशा नहीं खावांगे सोचण शक्ति ते बुरा असर नहीं पएगा, अगर विशे बकारां तो बचांगे तो साडी सेहत अच्छी रहेगी, साडा ख्याल बड़ी जल्दी इत्थे टिक जाएगा। तो जे असी भजन दा गुरु कहिंदा है, तुसी देख लो इन्नियां चीज़ां अपने आप नूं सुधारांगे तो सोने ते सुहागा है। ऐबे आदमी भजन की कर लेगा, उहनूं ओह संसा लग्गा रहिंदा है कि मैं माड़ा कर्म करदा मैं माड़ा करदा है। सो आप स्वामी जी महाराज कहिंदे आ गुरु दे बचन जो कहिंदा है उस नूं मनना है जी। गुरु बचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा। सब संतां ने दर्शन दे उत्ते बड़ा जोर दिता है। महाराज सावण सिंह तो इत्थों तक कहिंदे हुंदे सीगे, उहनां दे बराबर पाठी बैठ के पाठ करदे हुंदे सी कि जदों तुसीं सत्संग दे विच जाने हो तुसी ऐसी जगह बैठो, दूर नेड़े दा ख्याल ना करो, जिथों तुहानूं अच्छी तरह दर्शन हो सकन, बाद में इधर उधर ना हटना पए। और अपनी जिहड़ी टिकटिकी है वह दोनों अखां दे दरम्यान सतगुरु दे उत्ते फोकस कर दिओ, फिर देखो कि उत्थे की हो रहा है, उत्थे की बंदा बैठा है या की बैठा है। जब सत्संग तो उठते हैं, अगर गुरु सत्संग करता किसी ना बात भी करता है, उधर ध्यान ना जाए, पाठी करनी भी ध्यान ना जाए, सत्संग ते उठते हैं तो छेती देने की हरेक ना बातां करनियां ना शुरू कर दिए। जिमें जिमें बातां करांगे वो जिहड़ा सरूप का दर्शन साडे मिलिया है वो साडा हिरदा जिहड़ा खाली होना शुरू हो जाएगा। हुण साडी की हालत है, असी बैठे हैं कदे ऐ झाकदे हैं कदे ऐ झाकदे हैं, कोई ऐ पिछे नूं झाकदा है, कौन आया कौन गया दसो भाई, जिहे जिहे आए सी वैसे ही जाना है। हुणे पछम दे प्रेमी थोड़े अगे ही बैठे है, हालांकि इहनां नूं जवान समझ दे विच नहीं आउंदीगी। आ दक्षणी भारत के प्रेमी है, उन्होंने जवान समझ दे विच नहीं आउंदी गई, क्योंकि इत्थे 6-7-8 भाषा के प्रेमी बैठे है। वह कादे आसरे से बैठे है बई दर्शनां दे ते, वह ना इधर झाकदे ना इधर झाकदे है। जेडे मेरी जवान नूं अच्छी तरह समझदे है ये हरकतां उन्हां विच ही हुंदियां हन,
ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਫੌਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰੋ ਆਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਿਹਾਰੋ ਸਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਵਾਰਾ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਅਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਵਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ, ਤੋ ਮਿਟੇ ਕਾਲ ਪਰਛਾਹੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ 77 ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਬਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 16 PS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਮਿਲੇ ਕਾਲ ਪਰਛਾਈ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਹੈ ਤੋ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਖੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ, ਤੋ ਮਿਟੇ ਕਾਲ ਪਰਛਾਹੀ, ਭੋਗੋਂ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਆਗੋ, ਮਨ ਸਾ ਤਜ ਜਗ ਸੇ ਪਾਗੋ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸਾ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਮਨਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਔਰ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਭੋਗੋਂ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਆਗੋ, ਮਨ ਸਾ ਤਜ ਜਗ ਸੇ ਪਾਗੋ, ਆਸਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਓ,
मन सा गुरु पद मेलाओ। आसा और मन सा मोड़ी, मन इंद्री गुरु में जोड़ी। दिन रात रहे गुरु त्याना, गुरु बिन कोई और ना जाना। थोड़ा प्यार ना कहंदे आ जदों असीं आसा मनसा इंद्रियां सारा कुछ मोड़ के गुरु दी तरफ कर लैने हैं। महाराज कहंदे हुंदे सी जदों असीं एक पैप है उहदे विच बहुत सारे सुराख है, वो जिहड़े जिन्ने भी सुराख है बड़े कमजोर उन्हां चों पानी बह रहा है, अगर सारे सुराख बंद करांगे तो इक्को ही सुराख होएगा तो कितनी जबरदस्त उहदी तार पानी दी जाएगी। इस तरह जदों असीं कन्नां दी इंद्री नूं रोक लैंदे हैं, जवान दी इंद्री नूं खट्टे मिठे रसां तों मोड़ लैंदे हैं, कन्नां दी इंद्री जिहड़ी बाहरले रंग रागां ते जांदी है उस नूं असीं मोड़ लैंदे हैं, और अखां दी इंद्री जिहड़ी होरां रूपां नूं देखदियां जाके उहनां नूं मोड़ लैंदे हैं, तो सारा मोड़ के असीं गुरु दी तरफ ही ला लैंदे हैं, तो किन्ना प्यार जबरदस्त है। तो कहण लगे सुत्ते हैं तां भी गुरु दा ध्यान है, गुरु दा जवान ते सिमरन है, जागदे हैं तो तद भी गुरु दा सिमरन है, सुत्ते हैं तद भी सुपने दे विच गुरु मिलदा है, जागदे हैं तो तद भी वह मनमोहनी मूर्त अखां दे अगे फिरदी है। लेकिन हुण साडी की हालत है, कई कई घंटे सिमरन भुल्या रहिंदा है। तो दुनिया दा असीं सिमरन दिन रात करी जाने हैं, जदों रात नूं पैने हैं तो सुपने सानू दुनिया दे आउंदे हैं। ऐसे लोकां नूं ना जागदियां नूं शांति है ना सुत्यां नूं शांति है, सुते भी करी जाणगे फड़ो मारो बुरे सुपने आउंदे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं सुपने हूँ बरड़ाए के जे मुख निकते राम, ताके पक्की पन्ही ते मेरे तन को चाम। अगर तुसी गुरु नू याद करोगे ते जो बरड़ाट करोगे सुपने तो थानू गुरु दे मुँह चो नाम निकलेगा। तो कबीर साहब कहण लगे मैं आपदे तन दियां जुतियां भी बना के ऐसे नू दे के खुश हैं, क्योंकि जिन्हां नूं नाम दी लज्जत दा पता है उन्हां नूं पता है, जिन्हां गुरु दा पता है वो उही इह कहिंदे है जी। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और ना जाना। गुरु स्वास गिरास न बेसरे, तू पल पल गा गुरु जश रे। हुण स्वामी जी महाराज कहंदे है गुरु जो भी असी सास रास खाना खाने हैं, जे सानू सिमरन दी आदत पई है तो खाना खांदे वे हरेक बुरकी दे नाल सतगुरु सतगुरु हुंदा है। वो जदों खाना अंदर जाएगा जैसा खाए अन्न ते वैसा होए मन, उस खाने दा वेखो तुसी खा के कि कैसा असर बनता है। सब तो पहला तो सत्संगी नूं ये हुक्म हुंदा है कि खाना आ गया, अगर थोड़ा ये रोज का रूटीन है तो तुसी दो अखां बंद करके पहला सारे नूं आपदे सतपुरश गुरु दे अगे भोग रखो, उहदा दित्ता होया प्रसाद खाओ। जो तुसी दित्ता प्रसाद खाओगे तो प्यारे हो फिर तुसी उस नुक्स कढोगे। तो तां प्रसाद है, अज तक कदे किसी ने प्रसाद च नुक्स कढ़िया भाई? तो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे आ जिन्ने साह है वह भी आवे ते गुरु की धुनी गुरु का सिमरन जवान ते आवे, जिन्ने ग्रास पानी दे पीने हैं जिन्ने ग्रास अन्न दे खाने हैं
उन्हां दे नाल भी गुरु का ही नाम चले कि तन है तू सानू खाना दे रहा है। जी गुरु स्वास गिरासना बिसरे तू पल पल गा गुरु जश रे। गुरु है हितकारी तेरे गुरु बिन कोई मित्र ना है रे। प्यारे जेड़े असी इत्थे माता पिता भैन भरा यार दोस्त मित्र बनाए है ये सारे मतवल दे मित्र है। जिन्ने दिन इन्हां दा साथों मतवल कोई ना कोई निकलता है उतने दिन ये साढ़े ना प्यार करते हैं बड़ा जोशीला प्यार करते हैं। जदों इन्हां वो मतबल असी देनों हट जाने हैं या साढ़े कोले ना होवे फिर इन्हां दा जोश ढिला पै जांदा है ये ज्यौंदे ज्यौंदे ही छड जांदे हैं। असली रिश्तेदार कौन है जिहड़ा सानू अति दुख जदों जमा दे हवाले हुंदे होईए उदों आके छड़ावे कि ये छड़ा देणगे वो जिहड़े ज्यौंदे ज्यौंदे साडा साथ छड जांदे हैं। अखां नाल देखिया है अगर अपना भी कोई कंगाल होवे असीं उहनूं आपदा रिश्तेदार नहीं कहिंदे वी सानूं ऐ ना कह देने माड़े दा रिश्तेदार है। ते जे कोई अमीर है साडा रिश्तेदार बेशक आपां उहनूं जाणदे वी नहीं फिर भी आसे पास्यों आके उहदे नाल रिश्तेदारियां गंढ लवांगे जो साडा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है गुरु बिना तेरा कोई मित्र नहीं गुरु बिना तेरा कोई रिश्तेदार नहीं। सच्चा अगर रिश्तेदार है तो गुरु है। अमृतसर का एक सत्संगी भाई लखा सिंह महाराज सावण का हुंदा सीगा ओ हजूर साहब गुरुद्वारे का दर्शन करने वास्ते गया किसी वक्त उन्हां दिनां दे विच उत्थे कोई इन्नी ट्रेना वगैरह नहीं सी उस उत्थे ना कोई छड़क सी आम रस्ता जिहड़ा सी जंगल जे सीगा। ते रात पै गई उन्हां ने एक बुढ़ा भी रल गया उन्हें भी उसे गुरुद्वारे जाना सीगा। रात पई तो रोण लग पे वो बुढ़ा भी हुण कोई ना कोई जानवर खा जाएगा की होया पता नहीं गुरुद्वारा थे या ना थे क्योंकि अजकल तो उत्थे सारियां सहूलतां हन। हुण लखा सिंह की हालत होर सी उन्हूं ना मिलिया सी वो भजन ते बैठ गया। महाराज ने अंदरों दर्शन दिते उन्हूं कहण लगे देख वे तुसी इत्थों दहिणे पासे तुरे जाओ अगे थानू एक पगडंडी मिलेगी वो एक पिंड दे विच चली जाएगी उत्थों थानू रस्ता मिलेगा गुरुद्वारे चले जाऊंगे। वो उठे दहने की तरफ गए अगे पगडंडी मिली पिंड मिलिया उत्थों गुरुद्वारे पहुंच तो गुरु सानू जंगल दे विच भूलिया नू भी रस्ता दसदा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे गुरु बिना ना कोई तेरा मित्र है ना कोई रिश्तेदार है सच्चा उही है। गुरु नानक कहंदे सज्जन से ही आखिए जो चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए ते तिथे कड़े दसन। जी गुरु है हितकारी तेरे गुरु बिन कोई मित्र ना है रे। गुरु फंद छुड़ावे जम के गुरु मर मलखावे सम के। अगर जमा दा बद्दा है त
ते उनु लाज है। तुसी देख लो अगर पुत्र पुलिस दा पकड़िया होया है बेशक ओदियां बुरियां हरकतां दे पिता खुश ना होवे वो फिर भी पिता दा ममता दा वजिया हुंदा है उनु छडाउण दी कोशिश करदा है। इसे तरह सिख भावें बुरा भी है, बुरा है तो जमा ने पकड़िया है, तो गुरु दे दिलां दे अंदर हजारां ममता जिन्ना प्यार हुंदा है वो जमा दा फंदा तड़ा के ही दम लैंदा है। फिर रस्ता दसदा है कि तेरा रस्ता अग्गे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ साधा शरणी जो पवे सो छुट्टा बद्दा। ये उत्थे जो जमा दे हवाले हुंदा फड़िया हुंदा है दुखी वेले तो याद करदा ही है, वह फिर भी आ जांदा है। गुरु फंद छुड़ावे जम के गुरु मर मलखावे सम के पौजल से पार उतारे चिन चिन में तुझे सवारी। हुण आप प्यार नाल कहिंदे आ भावें सिख अमरीका च है अफरीका च है इंग्लैंड च है किते भी है एक छिन वास्ते आपकी अटेंशन तो दूर नहीं करता गा। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि पौ जल से पार उतारे वो पौ जल तो थानू नाम के जहाज से चढ़ा के पार करता है दुनिया के पवसागर चो कढ़ के वो थानू पार लिया है। जी पौ जल से पार उतारे छिन छिन में तुझे सवारी जो निज अंडा सेवे कच्छा क्यों गुरु राखे तेरी पच्छा। और स्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी मिसाल दिंदे है कि तीन प्रकार दे मुर्शिद हुंदे है। एक कछू दी मिसाल हुंदे है, एक कुकड़ी दी मिसाल है, आला दर्जे दे जो महात्मा हन वह कूंज दी मिसाल हुंदे है। कछू आंडे जिहड़े है वह अपनी खुशकी दे विच दिंदा है, आप पानी दा जीव है, वह अपने ध्यान नाल अपनी अटेंशन तवज्जो दे नाल वह अंडिया नूं पकाउंदा है। अगर उहदा ध्यान अंडिया च ना होवे तो अंडे खराब हो जांदे, उहनां च बच्चे नहीं पैदा हुंदे। दे कई नेड़े नेड़े महात्मा आपदे सिखां दी संभाल कर सकदे है। कई महात्मा कुकड़ी दी मिसाल है जानवरां दी। जानवर जितने भी हन वो आपदे अंडियां नूं आपदे शरीर दी गर्मी दे नाल पकाउंदे है उत्ते बैठ के ही। कई महात्मा सिर्फ पास रह के ही थोड़ा बहुत सेवक का फायदा कर सकते हैं, लेकिन जिहड़ियां कूंजां हुंदियां हन वो पहाड़ दे विच अंडे दे आउंदियां हन, उत्थे बर्फ पै जांदी है, आपदा गर्मी दे मौसम विच ओह मैदानां विच आ जांदियां हन। उस सिमरन दे जरिए अपने बच्चियां नूं पालदियां हन उत्थे अंडियां दे विच। अगर वह अपनी सिमरन ख्याल छड़ देन तो उन्होंने अंडे खराब हो जाते हैं। सो जिहड़े आला दर्जे के महात्मा है वह कूंज की मिसाल होंदे है, उन्हों का सेवक धरती के किसी कोने ते होवे, अमरीका होवे, अफरीका होवे, हिंदुस्तान च होवे, यूरोप च होवे, दुनिया के किसी भी कोने विच जन्म ले ले, वो अपनी तवज्जो नाल अपने अटेंशन दे नाल वो उसकी परवरिश करते हैं।
ऐसे महात्मा दे वास्ते दूर या नेड़े दा कोई फर्क नहीं पैंदा गा। सो इस वास्ते आप कहन लगे किस तरह गुरु तेरी रक्षा करता है, जिस तरह कछू अंडा दे के अवेसला नहीं हुंदा गा, इस तरह सतगुरु नाम देन लग्या शब्द रूप होके सेवक दे अंदर बैठदा है। वो रक्षा हर वेले सेवक दी मुनासिब करता है, लेकिन बगैर प्रेम प्यार उस सामने नहीं हुंदा गा। जी जो निजे अंडा सेवे कच्छा त्यों गुरु राखे तेरी पच्छा, गुरु समय और नहीं को रक्षक कुल कुटुंब सब जानो ताक्षक। आप प्यार ना कहंदे है पुत्र इस्त्री ने तो साडा लेने देने दे सरबंध है, गुरु तो बगैर तेरी कोई रक्षा नहीं करदा गा, फिर बिना मुआवजे तो वो बगैर आसान कीत्या तेरी रक्षा करदा है। जी गुरु समय और नहीं को रक्षक कुल कुटुंब सब जानो तक्षक, तांते गुरु को कभी न छोड़ो कनक कामनी से मन मोड़ो। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है गुरु नू भुलो नहीं, जेड़ा थवाड़ा इतनी रक्षा करदा है थवाड़े नाल वो इतनी भलाई ना पेश आउंदा है। तो आप कहन लगे तुसी दुनिया दे नाल लेने देने दे हिसाब नाल ये नहीं भी पुत्र नू छड़ देना है, इस्त्री तो मूँह मोड़ के जंगला पहाड़ां चले जाना है, लेकिन इन्हां नालों ज़्यादा दर्जा जिहड़ा प्यार दा है वह गुरु दा है नू देना है। गुरु रामदास जी महाराज अपने गुरु अमरदेव जी प्रति किन्ना प्यार जाहर करदे आ, मात पिता सुत इस्त्री सबहूं तो प्यारा, के माता भी पिता भी पुत्र इस्त्री नाल उतना प्यार नहीं जेड़ा प्यार तेरे नाल है। तो धर्मदास ने कबीर साहब को कसम खा के कहा सुफने इच्छा ना उठे गुरु आण तुम्हारी हो, मैं तेरी कसम करके कहना है मैंने सुफने च भी किसी की इच्छा नहीं, सुफने च भी बड़ा के तेरा ही नाम आता है तेरा ही स्वरूप आता है। जी तांते गुरु को कभी न छोड़ो कनक कामनी से मन मोड़ो, गुरु की पागत सदा सुखदाई गुरु बिन मन बुद्ध भी दुखदाई। आज तक जिसने भी गुरु की भगती कीती है उसनु शांति मिली है, उनु आनंद आया खुशी मिली है। गुरु तो बगैर मन बुद्धि नाल असी ना कोई शांति प्राप्त कर सकते हैं ना किसी नु मिली है। जी गुरु की पागत सदा सुखदाई गुरु बिन मन बुद्ध भी सुखदा, गुरु बिन मन बुद्ध भी दुखदाई, गुरु विश्वास चित में तरो गुरु प्रसाद जगत से तरो। आप कहन लगे गुरु दा विश्वास कदे भी दिल चो ना छड़ो, कोई घटना घटदी है तुसी कहो कि एक पता नहीं किन्नी गुरु ने साड़ी रक्षा कीती है, एदे विच कोई शक भी नहीं हुंदा गा। तो आप कहेंगे गुरु प्रसाद इस चीज़ में बड़ा समझण वाला है, प्रसाद
कई प्रकार की प्रसादी हुंदी है। अगर महात्मा प्यार ना सानू जे कोई टॉफी दा या कोई फुलिया दा या प्रसाद दूसरा पहलवा बनाने किसी भी प्रकार का दिंदे है, सानू उसकी कदर करनी चाहिए है। अगर वो सानू कोई कपड़ा दिंदे है उसकी कदर करनी चाहिए है, क्योंकि उहदे विच उहनां दी बड़ी भारी दया हुंदी है, वो दया करके दिता हुंदा है। अगर असी श्रद्धा नाल उसनू अंगीकार करांगे साडे पता नहीं किन्ने कु पाप उहदे नाल कटे जांदे है। तो जिहड़ा नाम दा दान उहनां ने दिता है, ये वड्डी तों वड्डी प्रसादी है, ये कृपा कह लो चाहे प्रसादी कह लो जी। गुरु विश्वास चित में तरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो, मान मोह मद गुरु सब हरे, काम क्रोध भी तुझ से डरे। जदों तुसीं गुरु ते विश्वास करोगे तां भगती भी करोगे, जदों तुसीं भगती करोगे तुसीं काम तो भी बचोगे, काम भी तुहानूं आके तंग नहीं करेगा, क्रोध दायक वह भी तंग नहीं करेगा। ये सारियां ताकतां जिहड़ियां खण विरोधी निकल जाणगियां, दयाली ताकतां अंदर आ जाणगियां, तुहाडा डायरेक्शन ही बदल जाएगा, तुहाडा ख्याल ही होर हो जाएगा जी। मान मोह मद गुरु सब हरे, काम क्रोध भी तुझ से डरे, लोभ लहर सब दे निकारी, माया ममता बाजी हारी। ये भी जेड़ियां काल दियां त्यागता है, ममता है, लोभ दा कुत्ता जेड़ा दिन रात भौंकदा है, ये भी शांत हो जाता है, उत्थे संतोष आ जाता है, प्यार आ जाता है, विवेक आ जाता है जी। लोभ लहर सब दे निकारी, माया ममता बाजी हारी, तुझ से जीत सके न कोई, गुरु का बल जो मन में होई। अगर जे तुसी कमाई करके गुरु नू अंदर प्रगट कर लिया शब्द रूप गुरु नू, थानू कोई भी काल की ताकत जित नहीं सकती गी, वो थोड़ा वाल वंगा नहीं कर सकती गी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जाम गुरु होए वल ते लख बाहें क्या कीजे जी। तुझ से जीत सके न कोई, गुरु का बल जो मन में होई, गुरु से पावे नाम रसायन, कट से पागे तृष्णा डायन। आप प्यार ना कहंदे है रसायन एक तत्व हुंदी है, सियाणा तो सुनते हैं कि तांबे ते पा दिए तो सोना बन जाती है, बना दी है, अगर वो कली ते पा दिए तो चांदी बन जाती है। सोना भी मिट्टी है तो चांदी भी मिट्टी है, लेकिन असली जिहड़ी रसायण है जिसका संत बयान करते वो नाम की रसायण है। कबीर साहब कहिंदे आ सभी रसायण हम करी तो नहीं नाम तो लुकोए, एक रत्ती सिमरदिया से सब तन उजियारा होए। एक रत्ती सिमरन भी असी दोनों अखां दे दरम्यान आके करते हैं तो सारा तन प्रकाशना भर जाता है।
नाम दे बराबर कोई रसायण नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर जेड़ी दुनिया दी रसायण है ये एक दिन ना सोना रहना ना चांदी रहनी है। इस वास्ते आप कहने लगे नाम दी बराबरी कोई नहीं। जी गुरु से पावे नाम रसायन, कट से पागे तृष्णा डायन। गुरु चरनामृत गुरु प्रसादी, प्रीत सहत ले मिटे उपाधि। मैं प्रसादी दे मतलब ऊपर भी दस्या सीगा, चरनामृत जड़ा है ये महात्मा नहीं दिंदे गे। की कहना जे किसे नूं किसे दी जिंदगी दे विच नसीब हो गया होवे। महाराज सावन सिंह अपनी जिंदगी दा वाकया सत्संग दे अंदर सुनाउंदे हुंदे सीगे कि असी आगरे गए, भाई सरैण सिंह उह कहिंदे वी साडे नाल उहनां दा पाठी हुंदा सीगा, उत्थे चाचा शेठ प्रताप सिंह जी जो स्वामी जी दे छोटे भाई सन उन्हां नूं मिले। कहिंदे असी प्रसादी दी चरणामृत दी बेनती कीती ते उन्हां ने मना करता। महाराज सावण सिंह कहण लगे कि मैं अधिकारी नहीं। वह कहण लगे नहीं है अधिकारी, पर मेरे पास इतना पदार्थ नहीं, इतनी कमाई नहीं। हाँ ये मेरा अखा नाल देखिया है, जेड़े पखंडी बाबे साढ़े घरां विच आउंदे है वो आप भी कहिंदे है कि संतां दे चरण पीने बहुत धो के अच्छे है, तुसीं धो लो। मैं कई प्रेमियां दे घर विच गया है, कई सोने का बर्तन भी लियांदे, कई चांदी का भी ले आउंदे कदे कदे, कहे जी सानू चरण धो लैण दिओ। मैं हस पैना है तो प्यारे हो, वो चरना मेरे तो दिंदे नहीं गए। तो मैं जिक्र करया सी अगर वो खुश होकर सानू प्रसादी दिंदे है, अगर ये प्रीत साहब के नाल उन्हें खाने हैं तो साढ़े अंदर बड़िया काल दियां ताकतां जिहड़ियां दब जांदियां हन। जी गुरु चरनामृत गुरु प्रसादी, प्रीत सहित ले मिटे उपाधि। गुरु पे तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। शिष दा धर्म है गुरु दे ते तन मन तन कुर्बान कर देवे। प्यारियो जे असी तन गुरु का समझते हैं, इस नूं पवित्र रखांगे, इहदे नाल कोई बुरा कर्म नहीं करांगे। जे मन गुरु का समझते हैं, इहदे नाल किसी का बुरा नहीं सोचांगे, ना किसी कौम वास्ते बुरा सोचांगे, ना किसी समाज वास्ते, ना आपदे पड़ोसी वास्ते, क्योंकि मन गुरु का है। इस नूं असी सिमरन विच गुरु की अमानत समझ के लावांगे। अगर धन गुरु का है तो असीं उहनूं बुरे पासे ना लावांगे। ना गुरु तन का भुखा है, ना साढ़े तन का भुखा है। हाँ ये जरूर है कि सेवक के तन नूं पवित्र करन दी खातर वो कई दफा भुखे प्यासियां की मदद करवांदा है। उहनूं पता हुंदा है कि मेरे सेवक का जिहड़ा तन है एक किवें ना किवें पवित्र हो जाए। महाराज सावण सिंह अपनी जिंदगी की मिसाल दिंदे हुंदे सी, वो बाबा कान दे पास जांदे हुंदे, जदों तनखा आउणी उदों जदों करंसी दी बड़ी ही कदर हुंदी सीगी, उदों उन्हां ने 8-7 रुपए उस नूं महीने पिछों जा के रख देने। उन्हां ने छोटे छोटे बच्चियां दे विच उत्थे आउणे गरीबां दे, उन्हां विच तकसीम कर देने। एक दिन महाराज जी कहण लगे मैं लड़ाई च गया, 2000 रुपया मैनू मिलिया,
ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਬੀਸ ਲੈਣੇ ਆ ਬੀਸ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲ ਮਗਰ ਜਗਾਤ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਬਾਹਲੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਝਾਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 5 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਉਦੋਂ ਥੱਪੜ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਗਲਿਆਨੀ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨੁਕਸ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਨਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕਾਸੇ ਨਾ ਕਹੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪੈ ਤਨ ਮਨ ਦੋਨੋ ਵਾਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪੈ ਤਨ ਮਨ ਦੋਨੋ ਵਾਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਦਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਾਧੋ ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
कि एक जेल खाना है, कोई शाहूकार आउंदा है, वो देखता है कि कैदियों नूं पानी अच्छा नहीं मिलता, वो बहुत सारी चीनी बर्फ मंगा दिंदा है, ठंडे पानी का इंतजाम हो जाता है। दूसरा आउंदा है शाहूकार, वो देखता है भी इन्हां नूं खाना अच्छा नहीं मिलता गा, वो होर रुपए पैसे खर्च करके अच्छे खाने का इंतजाम कर जाता है। कैदियों की हालत तो पहला ठंडे पानी ने सुधरी, गर्म दी जाए ठंडा मिल गया, फिर खाने अच्छे मिल लग पे, पर रहे तो कैदी। तीसरा आउंदा है कि इन्हां कोले कंबल है, इन्हां च जूआं पै जांदियां, धोते नहीं जाते, वो होर रुपया पैसा खर्च करता है। तो कैदियों की हालत तो वेदी बेहतर होंगी रही, लेकिन है तो कैदी दे कैदी। हुण तुसीं देखो परोपकार सारे ने किया, सानू करना चाहिए है, माड़ा नहीं हुंदा गा। लेकिन वो कैदी तो कैदी रहे। एक होर आउंदा परोपकारी, उहदे कोल जेलखाने की चाबी है, वो जिंदरा खोल दिंदा है, कहिंदा वी मैं तुहानू आजाद करदा हां। सारिआं नाल किहदा वड्डा उपकार है, वो चाबी वाले का है। असी भी तन मन दे पिंजरे दे विच कैद हैं, साडे उत्ते बहुत सारे परोपकार तां करदे है, कोई साथों जप करवाउंदा है, कोई पंज धूणियां दा ताप करवाउंदा है, कोई साथों धर्मशाला बनवाउंदा है, कोई कथा रखवाउंदा है, बहुत सारे सानू परोपकार तां करवाउंदे है, लेकिन असी तन मन दे पिंजरे चों तां नहीं छुटदे गे। उहदा फल की मिलदा है, असी झौंपड़ी चों बिस्तरा चक के महल च ला लैंदे हैं, वध तों वध असी स्वर्गां चले जाने, वो भी भोग जूनियां हन, उन्हां दी भी मर्याद है, आखिर रहिंदे तां कैदी दे कैदी हैं। तो संत महात्मा परमात्मा की तरफों वो चाबी लेके आउंदे हैं। गुर कुंजी पाहू निवल मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन कना ताक ना उगड़े अवर ना कुंजी हथ। परमात्मा ने उन्होंने चाबी दे के भेजी है, वो साढ़े आके की करते हैं, वो बंद ताले नू चाबी लाते हैं, वो कहते प्यारे हो बस ए जन्म दे विच भैड़ा खोटा कर्म ना करो, अपना जीवन सत्संग दे विच जाओ, नाम जपो, दमारे ना तुहानू तन चाहना पे, ना इस संसार दुखी दे विच आना पे। हाँ भाई, गुरु हैं दाता गुरु हैं दानी, गुरु अराधो छिन छिन प्राणी, सात पुरुष सत नाम गुरु है, अलाख रूप और अगम गुरु हैं, राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम, गुरु सब विद है अंतर्यामी, गावो त्यावो राधा स्वामी। स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार ना दस्या है कि ना असी सतनाम देखिया, ना असी राधा स्वामी देखिया, ना असी वाहेगुरु देखिया, ना राम देखिया, असी वेखिया गुरु नू। गुरु जिहड़ा है वह सतपुरश पास जाता है, राधा स्वामी पास जाता है, उन्हें रमत राम जो है कण कण दे विच रमिया होया है, उसनू भी उन्हें प्राप्त किया, उहदे विच रमिया होया है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहिंदे असी तां उसनू देखिया है, उहदे विच असी रमणा है। तो आ प्यार नाल कहिंदे है वह अंतरजामी है। मत पढ़दा रखो, दिल दे विच ख्याल करो कि इहनू साडा पता नहीं, पता सारा ही है, वह खामोश रहिंदा है, चुप रहिंदा है, मस्त रहिंदा है।
सो स्वामी जी महाराज ने किस तरह शुरू चो किया कि तुसी गुरु के चरण तक पहुँचो, दस्या वो नूरी चरण का जिक्र किया है, वो चरण का किन्ना प्रकाश है, तो आप हर तरह के नाल समझा के प्यार ना कहिंदे है कि तुसी तान मान सब कुछ गुरु ते कुर्बान कर दो। अगर तुसी गुरु नू आपदे हिरदे दे विच जगह दे दित्ती है तुहानू कोई काल की ताकत जिहड़ी है वह तंग नहीं करेगी। सो सानू भी चाहिदा है स्वामी जी महाराज के कहण के मुताबिक सतगुरु भगती करिए, अपने जीवन नू सफल बनाइए। राधा स्वामी गुरु का नाम निज पद पाए करो विश्राम, गुरु सब विद है अंतरयामी, गावो त्यावो राधा स्वामी।